हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आकांक्षा अरु व्लॉग्स। और मैं क्या कहूँ, बस मैं क्या ही बोलूँ, अभी मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, और किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, और जिसकी तबीयत बहुत ख़राब है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ऑब्वियसली मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट मैं क्या हूँ ना, हीलर। जोकर निकल रहा था मुँह से, बट ये सही शब्द बोल दिया, हीलर। तो मैं थोड़ा सा जाके उसका देखती हूँ क्या है, माहौल ठीक करती हूँ, पर देखती हूँ क्या है, बहुत तबीयत ख़राब है उसकी। पता है आपको, कल मुझे एक बड़ा अच्छा कॉमेंट आया व्लॉग पे कि एक्चुअली मैं संभावना सेठ के व्लॉग्स बहुत देखती हूँ, बिकॉज आई एम अ ह्यूज डॉग लवर। जो है हमारे पास तो अभी वो सदस्य नहीं है, क्योंकि फ्रैंक के जाने के बाद हिम्मत ही नहीं हुई कभी। कि अगर आप लोगों ने फ्रैंक की वीडियो देखी है, आपको पहले से देखते आ रहे हो, तो आपको पता है कि मेरा कनेक्शन फ्रैंक, मेरा डॉगी था, कितना ज़्यादा था। और जब वो गया अनएक्सपेक्टेडली, तो मैं, आपको पता है अभी तक भी, मतलब मुझे कल परसों भी वो लिटरली सपने में आया, तो मैं और क्या ही बोलूँ। और इसलिए अभी तक हम डॉग नहीं लाए हैं। तो संभावना सेठ के ब्लॉग मैं हमेशा देखती हूँ, और उसमें इतना हैपनिंग होता है। तो कॉमेंट ही आया कि संभावना सेठ के ब्लॉग्स, भारती के ब्लॉग्स और नेहा आशीष तिवारी के ब्लॉग्स के बाद मैं आपके व्लॉग्स बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ, ऐसा लगता है वेब सीरीज की तरह मैं आपके व्लॉग्स देखती रहूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस अब डॉग लग गया। हाँ, हम फ्रैंक को बहुत मिस करते हैं। तभी से देखना स्टार्ट भी किया था जब फ्रैंक हमारे साथ था। आप लोग जरूर प्लीज, जो भी लोग नए जुड़े हो, प्लीज 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 एक बार जरूर मेरी पुरानी वीडियो जाके फ्रैंक को देखना, प्लीज प्लीज प्लीज। बस मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे पूरी तरीके से समझ लिया है मैं कौन हूँ। सबसे खूबसूरत चीज एक परिवार में साथ रहने की है कि आपको आपका बच्चा ही नहीं पता कहाँ है। अदरवाइज तो मैं इतनी वो रहती थी ना, बट जब से ये लोग कुछ दिन से मेरे साथ है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। कृषा कहाँ है, कहीं तो होगी, कहाँ सेफ होगी। अब ये कह रही मैं ही तुम। अभी दादी के पास, दादी को सबके गोदों में जा रही है। दादी अब आप लोग, मम्मी इतने बुरे बुरे गाइस, ये लोग जो है गाने सुनाकर हमको लेके चल रहे हैं। ये क्या लगाया इन्होंने, और अनमोलो में फंस चुके हैं। भाभी बहुत मजे कर रहे हैं, भाभी खुश है, मुझे 9 लाख मंगा दे रहे ये क्या है, इनको पहले ही पता है, इनको म्यूजिक से ही पता है ये कौन सा गाना है। यहाँ बन रही है हमारी गर्मा गर्म मैगी, और स्ट्रीट पे मैगी खाने का मजा ही कुछ और। हमारी गर्म, आराम से गर्म गर्म मैगी आ चुकी है। वाह भाभी, कैसा लग रहा है ऐसे खुले रास्ते पे, बढ़िया ठंडी हवा में ऐसे मैगी खाने, मजे ही मजे है। भैया आप भैया आप जल्दी चले गए, वरना हम आपको भी मजे कराते हैं, बट कोई नहीं, फिलहाल जो है यम्मी। सो गाइज, हम जो है आ चुके हैं यहाँ, इसकी शक्ल से तो आप समझ ही जाओगे, यहाँ ठंड नहीं लगती है, ठंड नहीं चल रही है। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सरिते के घर पे, और भाभी इसलिए आई है क्योंकि भाभी को भी था, उसकी तबीयत कैसे ख़राब है उसको देखना है हमें जाकर। और भाभी के पास ना, क्योंकि भाभी गांव में रही हैं, तो उनको पता है नुस्खा है कि उसको कुछ देंगे तो खांसी थोड़ी ठीक होगी, उसकी बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है। और बस आपको ऊपर लेके चलती हूँ, मिलवाती हूँ, मेरा बहुत मन है उसको गले लगाने का। एक सेकंड, मिलने चलते। अरे हम गलत घर में आ गए क्या? नहीं, 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 सही घर में आए। अरे अमित भैया, हेलो भैया, खुश रहो, सदा स्वागत रहो। ये रही हमारी वो प्यारी सी बीमार इंसान, मेन वो वायरल ट्रांसफर करें, आजा वायरल ले, आजा वायरल लेंगे, आजा नहीं वायरल दे। काय को वायरल, मेरे दुश्मन को भी ना हो, मुझे क्यों बता। हम अपने साथ मिलाए, मैं अपने हाथों से गर्मा गर्म आलू प्याज के परांठे बना के लाई, मतलब मैं बहुत देर से लगी रही, पहले आलू उबाला, पहले आलू उबाला, फिर प्याज काटे, फिर मुझे पता था मेरा देर आलू भी अमित भैया, मैं तो मैदा से छोड़ ही नहीं सकता। आलू के छिलके हटाए ना तूने? आलू के छिलके भी हटाए, आलू के छिलके हटाए ना, मुझे आलू के, और फिर प्याज के छिलके भी हटा रही थी, लेकिन मुझे हटा नहीं दे।
कुछ भी कह रहे हैं देखो इतना इतना चाहने वाले लोग हैं ना जेटू जीजू को सेलिब्रेशन मेरा था गाइस पार्टी पूरी मेरी थी खर्चा मेरा हुआ लाइमलाइट किसने ली मेरा एक एक खानदान वाला मैं पिछले पिछले 15 दिनों से कमेंट पढ़ पढ़ के परेशान हूं मोटा बोल गया अभी ये जू तुझे हमें हमसे मिलके तेरी वो तकलीफ कितनी कम हुई है तबीयत हम इसलिए आए कि तू ये एक लाइन बोल दे फिर हम तुरंत चले जाएं यही कैप्चर करने आया कि तुम आ गए और अच्छा लगा फिर तुरंत भगा चलो अपने अपने चलते हैं भैया मैं अभी बोलूंगी नहीं अभी रुक के बोलूंगी ये वाली बात ये मैं स्पेशली आलू के पराठे लेके आई है बना के स्पेशली आप सब लोगों के लिए आलू के पराठे लाई हूं और फिर इतना बीमार है तुम उसके लाइक पहले हमेशा एक अच्छे दोस्त का होता है कि खुद का है उसके बाद वो ठीक ठाक है फिर वो सबको टेस्ट करके बताया कैसा है अच्छा है ना राजेश ढाबे से राजेश ढाबा राजेश था कि राकेश था लग रहा है राजेश के वहां का टेस्ट है नहीं तो राजेश के हाथ का टेस्ट नहीं उसके हाथ में मैल कम था हंसी मजाक तो चलता रहेगा लेकिन यहाँ आने का कोई रीज़न नहीं है इसके पास मैं कभी भी आ जाऊँ जब सुनने में आना इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे लगा कि यार अगर मेरे जाने से अगर थोड़ी देर हंस दे या बात कर ले बोल ले तो उसका भी मूड ठीक हो जाएगा और स्पेशली जीजू का भी मूड ठीक हो जाएगा तो जीजू जब हम आते हैं ना जीजू बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं तो वो निश्चित हो गए हैं बच्चे अपना आपस में यहाँ पे खेल रहे हैं और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी भाभी क्योंकि भाभी भी उससे इतनी कनेक्ट हो गई कि भाभी ने कहा मैं भी चलूँगी इसको हमारे यहाँ ना भाभी क्या करते हैं हमारे जब खांसी जाती ना तो घी में थोड़ा सा गुड़ पका के और अदरक पका के हल्का सा देते हैं तो प्रेग्नेंट है तो ज़्यादा अदरक तो दे नहीं सकते तो हल्का सा अदरक डालेंगे और गुड़ डालेंगे और घी डालेंगे भाभी बनाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी और उसको देंगे तो थोड़ा सा उसको आराम मिलेगा उसको बहुत ज़्यादा खांसी और जब वो खांस रही है तो उसका बेबी जो है वो हिल रहा है ऑब्वियसली जब मैं प्रेग्नेंट थी तब याद आ गया कि जब मैं प्रेग्नेंट थी मुझे खांसी हुई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि जब जितनी बार खांस रही थी उतनी बार मुझे लग रहा था यार पेट हिल रहा तो बेबी को भी दिक्कत हो रही होगी मैं रिलेट कर पा रही हूँ तो अभी हम फटाफट से उसके लिए वो बनाएंगे और उसको खिलाएंगे और हंसी मजाक चलता रहेगा लेकिन बस आप इन्जॉय करना वीडियो को यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म चाय चाय जितनी बार पियो उतना कम है और यहाँ पे भाभी ने चढ़ा दी है कढ़ाई और ऐसी भाभी भगवान सबको दे भाभी में ना भाभी एक्सप्रेस उतना नहीं कर पाती लेकिन भाभी केयर बहुत करती है और जिससे दिल से जुड़ जाए तो इसलिए भाभी अदरक को बिल्कुल बारीक कर देना है ना देसी घी के अंदर अदरक थोड़ी देर पका लेंगे उसको अच्छे से चक्का अरे दिखा दे कितनी तेज है ये आपने ये दीदी ने वाला आपने ये क्या किया वाह भाई साहब मामी ले आई बोला ऐसा लग रहा है कि हम लड़की वाले हैं और तुम लड़के वाले बैठे हो हम लड़की दिखाने लाए हैं कि लड़की पसंद हो तो बता देना चाय के साथ साल बाद यूपी में करते हैं ये बनाते हैं हाँ है ना आपको पता है दोस्तों बज रहे हैं 1:12 12 बज के 12 मिनट और ये हमारा माहौल है हम सब पी रहे हैं चाय इससे पहले हम लोगों ने एक बनाई है छोटी सी रील सरिता उस रील में नहीं आ रही थी मैंने कहा तू बस बैठ कैसे से हाथ वाथ थोड़ा सा हिला दे मूव कर ले तो इसने थोड़ी सी रील हमारे साथ बनाई है लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बातचीत जो है बिल्कुल नहीं हो रही है
शांति हो गई है और अभी हम लोग जो है नेक्स्ट जो है, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही फेमस बंदा बैठा है जिसके पास एक नहीं दो दो गोल्डन बटन है, दो सिल्वर बटन है, दो गोल्डन बटन है। पहले तो VVIP इतनी मेहनत करी है भैया ने, इतनी मेहनत और यहाँ तक पहुंचे हैं और दो दो गोल्डन बटन यार, हम तो एक गोल्डन बटन सोच रहे कब आएगा, इनके दो आ चुके हैं तो इन्होंने तो हमें पार्टी दी नहीं, बट क्या करें, अब हम लोग इतने बड़े फैन हैं इनके तो हम लोग इनके लाए हैं एक छोटा सा केक जो कि गोल्डन बटन आने की खुशी में हम लोग अमित मिश्रा ऑफिशियल के साथ काटेंगे, है ना। सो आपकी टीम तो यहाँ नहीं है बिकॉज उनके बिना भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता, रियाज भैया और बनी भैया और बाकी जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं उन सबके लिए जो है एक तो हम जोरदार तालियां बजा दो एक बार भैया, गोल्डन बटन आया है। तो अब हम एक केक काट लेते हैं भैया के साथ। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, काटी के सही नहीं तो वो आ जाएगा क्या बोलते हैं। Congratulations, let's celebrations, la 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 la। अमित भैया के बारे में क्या ही बोलूँ, मतलब जितना उन्होंने तरक्की करी है उतने ही डाउन टू अर्थ हैं और जितना उन्होंने हासिल किया उनको लगता है अभी तो कुछ भी नहीं है और करना है। तो खूब सारी ब्लेसिंग्स जो है हमेशा हमारी आपकी और आपकी टीम के साथ रहेगी भैया, खूब आगे बढ़ो। गोल्डन के बाद क्या आता है, डायमंड बटन आता है, डायमंड बटन भी आपको मिले और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहो। इसके बाद हम लोगों ने खूब मस्ती करी, हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया, मतलब सरिता ने पिज़्ज़ा मंगवाया और पिज़्ज़ा हम सब ने मिलके खाया, बैठ के खूब सारी बातें की, खूब सारी हंसी मजाक और जीजू की कॉमेडी, ऑलवेज सुपर्ब। तो एक कह लो दिल बहुत ना खुश सा हो गया। तो गाइस रात के बज रहे हैं 3 और खूब सारी बातें, खूब सारी मस्ती और खूब सारी चाय, चाय के कप के साथ अब हम लोग घर वापस निकल रहे हैं। इसका थोड़ा मन बहल गया, थोड़ी इसने बात कर ली, थोड़ी फ्रेश फील किया इसने और यही हमारा एम था। और अभी इसको गुड बाय करेंगे, लोग भी घर जाके कृषा से मिलेंगे, कृषा अभी तो सो गई है लेकिन जब भी अब कहीं बाहर आते हैं ना क्यों भाभी, तो भाई ऐसा लगता है कि घर जाए और कृषा से मिले। कुछ देर के लिए भूल ही गई कि मैं बीमार हूँ, बस ये खांसी मुझे जकड़ के रख ली। बाकी मैं आपको बता दूं कि इससे मेरी बहुत अच्छी मालिश की थी, बैक में, हैंड में, हमने कहीं पे भी ये चीजें शूट नहीं की है। मेरा और आकांक्षा का रिलेशन, लेकिन मेरा और आकांक्षा का कोई फ्रेंडशिप वाला नहीं है, हमेशा ये मुझे अपनी बड़ी बहन और मैं उसको छोटी बहन वाला ट्रीट होता है, दुश्मनों वाला रिश्ता है हमारा गाइस। बस इसी बात पे जो बस है, मैं आंखें दिखाती हूँ और ये नहीं है बाबू, एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को मिल रहा है, ये मुझसे कुछ बोल नहीं पाती है तो मैं ही बोलती हूँ इसके आगे हमेशा। तो बस अब तुम्हें अपना ध्यान रखना है और अपने साथ साथ इसका भी ध्यान रखना है। हाँ बहुत बढ़िया, मुझे ये दे देना ना, यही धार बन लेडर, क्या कुछ तो बोलो, क्या फोटो थोड़ी खींच रही हो, बहुत अच्छा लगा भाभी, अरे मुझे खांसी आ रही है, फिर इनको भी ये बीमार हो जाएंगे। ऐसे आकांक्षा के भैया पापा को लगा दिया, मत कर तू, इसको बच्चे के पास आना होता है, जल्दी आना। ता 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 बेटा आप सोते होते नहीं हो क्या, चाचा ने उठाया आके। ता ता दूसरी कहां, सोच रही है क्या हो गया आज इतना मेरा वेलकम कर रही है। मम्मा किच्चू दे दे, मम्मा किच्चू दे दे, बाबू मेरा बेटा तो बहुत गंदा दिखता है, इतना गंदा कैसे दिखते हो आप, कोरियन लगती है जैसी उठती है ना गाइस, उठ के कोरियन बच्चा लगता है। गाइस कुछ रिश्ते जो होते हैं वो बहुत खास होते हैं और जैसे ही हमें पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है उसी वक्त हमने सोचा कि हम भागते ना देखेंगे टाइम ना देखेंगे क्या अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट कैंसिल की हम लोगों ने अपनी शाम की और तुरंत हम लोग भागे। और ऑब्वियसली वो अकेली है, वहाँ पे कोई है नहीं और मैं इस प्रेगनेंसी के दौर से अभी हाल फिलहाल गुजरी हूँ तो मुझे पता है जब हम अकेले होते हैं तो हमें कोई ना कोई, अगर बीमार होते हैं तो कोई ना कोई चाहिए होता है कि साथ में बैठ जाए। हम लोग कोई ऐसा मेजर ट्रीटमेंट तो कर नहीं पाएंगे लेकिन बस साथ में बैठ के उसके साथ एक कह लो टाइम स्पेंड करके उसको बेटर फील करवा पाएंगे और वही हमने करवाने की कोशिश करी। और कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं जिनके लिए तो आप कह लो कि जान भी हाजिर होती है और ये बात मैंने पहले भी बोली है, तो उसको कभी भी कोई दिक्कत या दुख होगा या कुछ भी तकलीफ होगी तो सबसे पहले आकांक्षा उसके पास खड़ी होगी। बस ये कहूँगी कि आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग्स दें और ये प्रेगनेंसी का पीरियड है, किस दिन अच्छा लगता है किस दिन खराब लगता है, थोड़ा सा है कि बस एक साथ और एक
खुशी और एक बहुत सारी ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है, तो वही हमें देनी और कुछ नहीं देना है हमें अपने पास से। तो बस अभी हम लोग घर आ चुके हैं और बस मैं कहूँगी फटाफट से सरिते ठीक हो जा, फिर हम लोग जल्दी से दोबारा मिलेंगे। यही हमें जिस बात का डर था वही बात हुआ कि ये जो हमारा लाला बिल्कुल उठा बैठा है, तो अभी इसको सुलाते वक्त में टाइम लग जाएगा। तो बस वीडियो करेंगे यहीं एंड, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज आकांक्षा अनु व्लॉग्स। थैंक यू दीदी, तेरे क्या ये ढोल वाला लग रही है। बे